रेलवे के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय ने पूछे गए प्रश्न का आंसर दिया। ये प्रश्न राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा पूछा गया था। 461 नंबर क्वेश्चन है, अतारांकित क्वेश्चन है जिसको अनस्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें खड़गे जी ने पूछा था रेलवे में शीर्ष प्रबंधन के लिए रिक्त पद कितने हैं। शीर्ष प्रबंधन मतलब टॉप मैनेजमेंट के लिए। साथ में इन्होंने ये भी पूछा और जानकारी ये भी दी गई है, मैं आगे आपको नोटिस में दिखाता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में किन किन जोन्स में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्रश्न ये है, खड़के जी ने पूछा था क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है अतारांकित, कि रेलवे में शीर्ष प्रबंधन के कई पद वर्तमान में रिक्त हैं कि नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अगर रेलवे में पद रिक्त है तो उसकी डिटेल दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितनी रिक्तियां हैं, तत्संबंधी समूहवार और जोनवार ब्यौरा क्या है, मतलब जोन वाइज ब्यौरा भी पूछा गया, और साथ ही साथ समूह में किस ग्रुप में कितनी वैकेंसी वैकेंट है। साथ में विगत 5 वर्षों में रेलवे के द्वारा की गई कुल नई भर्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है, पिछले 5 वर्षों में रेलवे ने कितनी भर्ती की है, क्या किया है, इसका प्रश्न पूछा गया है। अब यहां पर उत्तर क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले तो यहां पर जो प्रश्न इनको पूछने चाहिए, मुझे लगता है वो प्रश्न भी नहीं है। यहां पर सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि अभी कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आने वाली है, यह प्रश्न एक होना चाहिए। और जो वैकेंसी अभी चल रही है जैसे रेलवे ग्रुप डी की एनटीपीसी, इनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कब तक जारी किया जाएगा, कब तक बच्चों को दिया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, एक डेट फिक्स होनी चाहिए पहले से ही कैलेंडर, और उस कैलेंडर पर काम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये प्रश्न ही वही पूछते हैं जिसका जवाब दिया जाए। बिना प्रश्न पूछे इनकी बात की जाए तो माशा अल्लाह, बिना प्रश्न पूछे तो ये कोई जवाब दे दें तो बड़ी बात होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखें क्या उत्तर दिया गया है। तो अगर मैं उत्तर की बात करता हूं तो रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस वक्त कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। इनके द्वारा का से घा तक जो उत्तर दिया गया है विवरण सभा पटल पर रख दिया गया, सारा का सारा उत्तर रखा गया है उसमें। अगर मैं उत्तर की बात करता हूं तो देखिए, रेलवे में सबसे शीर्ष प्रबंधन के लिए रिक्त पदों के संबंध में 9/12/2022 यानी कल की डेट में को राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रश्न संख्या 461 के भाग का से लेकर घा तक जो 4 प्रश्न पूछे गए थे, उत्तर संबंधित विवरण क्या है। का और खा प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न के लिए उत्तर ये दिया गया कि भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS जो कि UPSC के थ्रू होती है, के लेवल 17 में 5 पद है जो वैकेंट है, जिसमें रेलवे भर्ती बोर्ड में सदस्यों के 3 पद और महानिदेशकों के 2 पद खाली हैं। ये रेलवे के टॉप मैनेजमेंट वाली बात है। और लेवल 16 में 5 पद रिक्त है, वैकेंट है। रेलवे भर्ती बोर्ड के महाप्रबंधक और उनके समकक्ष, समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट पोस्ट पर, अपर सदस्य समकक्ष के 2 पद रिक्त है। मतलब ये बताया गया कि लेवल 17 में और लेवल 16 में जो पदों की संख्या है 5, 5, 10 है जो कि वैकेंट है। खैर ये तो ऐसी होती है, इससे ज्यादा तो नहीं भी हो पाएगी। आगे बात करते हैं, भारतीय रेलवे में रिक्त समूहवार और जोनवार जो स्थिति पूछी गई थी वो क्या क्या है। रिक्त में अगर बात की जाए तो ये दिया गया है कि देखिए सबसे पहले समूह का और समूह खा की जो बात की जा रही है, ये समूह का और समूह खा आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है समूह गा लेवल 1 सहित यानी ग्रुप डी सहित लेवल 1 के साथ साथ। समूह का और समूह खा की जो वैकेंसी को भरा जाता है वो UPSC के माध्यम से भरा जाता है, इसीलिए इसमें जो रिक्तियां होती हैं, जो वैकेंसीज होती हैं वो काफी कम होती हैं। लेकिन अगर मैं समूह गा की बात कर लेता हूं, ग्रुप सी की बात कर लेता हूं, इंक्लूडिंग ग्रुप डी, इसमें बात करें तो मध्य रेलवे में 28,653, पूर्व रेलवे में 30,141, पूर्व मध्य रेलवे में 14,723, पूर्व तट रेलवे में 10,043, मेट्रो रेलवे में 935, उत्तर रेलवे में 38,754, उत्तर मध्य रेलवे में 18,509, पूर्वोत्तर रेलवे में 14,074, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 15,672, उत्तर पश्चिम रेलवे में 15,184, दक्षिण रेलवे में 22,506। इसके साथ साथ अगर मैं इसके बाद की बात कर लेता हूं और जो जोन है, दक्षिण मध्य रेलवे में 17,068 वैकेंसी बाकी है जो भरी जानी है, दक्षिण पूर्व रेलवे में 17,579, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 8,106, दक्षिण पश्चिम रेलवे में 6,619, पश्चिम रेलवे की बात करें तो 30,476, पश्चिम मध्य रेलवे में 11,559, और अन्य जो यूनिट्स हैं उसकी अगर बात करें तो 12,343 वैकेंसी है, ये अभी भरी जानी है। पिछली का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अता पता नहीं है, भरी जा रही नहीं जा रही है, बच्चों को 3 साल से लगातार परेशानी में डाला जा रहा है कि आज एग्जाम होगा, 3 साल बाद एग्जाम होगा, 3 साल बाद एग्जाम होने के बाद बच्चा रिजल्ट का वेट करे,
कट ऑफ लिस्ट का वेट करे, दुनिया भर का वो केवल वेट करता रहे। अगर इन सारी वैकेंसीज को जोड़ेंगे ना, ये जो लिखी हुई है, इन सारी ऊपर से नीचे तक की वैकेंसी को जोड़ेंगे तो 3 लाख के आसपास वैकेंसी हो जाएंगे। अब अगर इसमें मैं मान लेता हूं कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी भरी जा रही है या अभी 2018 से लेकर 2019 वाली जो वैकेंसी भरी गई है, अगर उसको मैं हटा लूं, तब भी मैं बोलूंगा कि 1,50,000 वैकेंसी जो है वो 101% आनी ही आनी है जिनका, लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है कि कब आएंगी। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी शामिल होती है, अगर मैं ग्रुप सी की बात कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, NTPC, पैरामेडिकल कैटेगरी, और उसके साथ अगर बात कर लेते हैं तो आइसोलेटेड कैटेगरी, ये सारी की सारी वैकेंसीज जो होती है ना वो ग्रुप सी में ही होती हैं, जिसकी लगभग मैं अगर वैकेंसी को 3 लाख के आसपास की वैकेंसी को अगर मैं डिडक्ट भी करके बताऊं तो 1,50,000 से ज्यादा वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, लेकिन जिसके लिए कान में जू तक नहीं रख रही। हर चीज के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है, हर चीज के लिए चिल्लाना पड़ता है, तब इनके कान में जू रेंगती है। वाकई में अगर बताया जाए तो ये गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज को भरने के मामले में और एग्जाम कराने के मामले में बड़ी लीचड़ है। ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं होगा और किसी को नहीं होना चाहिए। प्लस दूसरी अगर बात करते हैं, बात को समझिएगा कि कई कई सालों का गैप हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं आगे जब बढ़ते हैं तो अगर देखते हैं कि क्या चीजें हैं, जैसे पिछले 5 वर्ष में रेलवे के द्वारा की गई नई भर्तियों का ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो रेलवे ने क्या क्या भर्ती की है। समूह का के लिए आप छोड़ दीजिए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, UPSC का हिसाब किताब है। समूह गा पर आइए ग्रुप डी के साथ साथ, 2017-18 में 24,662 वैकेंसी के आसपास हुई थी, जिसमें ALP और JEE की वैकेंसियां भरी गई थी। 18-19 में ये बताते हैं कि 16,953 लोगों को नौकरी दी है। 2019-20 में अगर देखा जाए तो 1,27,067 लोगों को, 21 में 5,450 और 21-22 में 4,612। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट जो है वो रेलवे ही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पर आगे का कोई अता पता काम बन नहीं पा रहा है। अब आप एक चीज को देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये जो दिया हुआ है ये केवल बातों की बतासे हैं, इसके कुछ नहीं है। 19 के बाद अगर बात करें तो जो यहां पर आप देखो कि NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद से 2020 पूरा खाली है, 2021 पूरा खाली है, और 22 अगर आज दिसंबर की बात करें तो ये भी खाली। 3 साल में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नई वैकेंसी की जानकारी नहीं दी। पुरानी नहीं भरी जा रही तो नई की जानकारी कहां से मिल जाएगी। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है टीचर्स को और विद्यार्थियों के लिए, कि पहले तो उनको वेट करना पड़ता है, फिर तमाम तरीके के ट्विटर कैंपेन किए जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हर्ष होगा, ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1.5 लाख से ज्यादा अभी वैकेंसीज आनी है, जिसमें आपका ALP शामिल होगा, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर शामिल होगा, जिसमें आपका RPFSI शामिल होगा, जिसमें आपका पैरामेडिकल शामिल होगा, जिसमें आपके आइसोलेटेड कैटेगरी शामिल होगी, जिसमें आपका JEE शामिल होगा। ये सारी की सारी वैकेंसी अभी आनी है और 1.5 लाख। और मुझे लगता है कि ऐसा जो मुझे समझ में आता है कि 2024 में क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा के चुनाव से पहले वैकेंसी भी देंगे, क्योंकि वोट चाहिए, वोट बैंक तो करना ही है, अगली गवर्नमेंट भी बनानी है, तो 2024 से पहले वैकेंसी भी देंगे और उसको फुलफिल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना बड़ा 10 साल से गवर्नमेंट की अगर देखा जाए, इतने बड़े एग्जाम के लिए अभी तक एक सही वेंडर नहीं चुन पाते हैं जो कि सही ढंग से एग्जाम कराए। आज इस जोन का एग्जाम कैंसिल हो रहा है, उस जोन का एग्जाम कैंसिल हो रहा है। लेकिन समझने की और अगर देखा जाए, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं, समझने और देखने की अगर बात की जाए तो अभी 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी जो है वो क्या है, भरी जानी है। अभी मैं आपके लिए एक चीज का वीडियो और लाऊंगा, बड़ा मतलब सनसनाता हुआ वीडियो है, आपको ये जान के आश्चर्य हो जाएगा कि रेलवे किस तरीके से हम लोगों के साथ गेम खेलता है या कोई भी विभाग किस तरीके से गेम खेलता है। आपको ये जान के बड़ा वो लगेगा कि इतना पैसा देने के बाद अगर इतनी वैकेंसीज होती हैं, जैसे हम लोग फीस देते हैं फॉर्म भरने की, इतनी वैकेंसीज देने के बाद, इतना पैसा देने के बाद हम लोगों को फायदा क्या होगा और गवर्नमेंट को इससे कैसे फायदा होता है, क्यों ये 3-3 साल एग्जाम लेट कराते हैं, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीजों को देखिए और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन, फलाना कैंपेन, ढिकाना कैंपेन, उसके लिए माई पाठशाला एंड टीम आपके साथ पूरी तरीके से सजग रहेगी, खड़ी रहेगी। धन्यवाद।